पूर्वी सिंहभूम जिला में लगातार चार दिनों से हो रहे बारिश के कारण जमशेदपुर का जीवन अत व्यस्त हो गया है। वहीं जमशेदपुर में से गुजरने वाली सोनरेखा और खरकाई नदी का जलस्तर लगातार वृद्धि हो रही है। इसके कारण आसपास इलाकों में पानी घुसने की संभावना बढ़ गई है। उसे देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और अलर्ट रूप में आ गया है। जमशेदपुर के जिला प्रशासन ने सोनरेखा और खरकाई नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आसपास बस्तीवासियों को सचेत रहने को कहा है। इसके अलावा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को आश्रय गृह जाने की सलाह दी है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा माइक से लॉन्च करके सचेत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा सोनरेखा और खरकाई नदी के किनारे धारा 144 लगा दिया गया है। यह धारा 5 अगस्त तक लगा रहेगा। यह जानकारी जमशेदपुर के धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दी गई है। उधर खरकाई और सोनरेखा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन के नज़र में दोनों नदियों का जलस्तर है और खरकाई का नदी का जलस्तर डेंजर जोन पार कर गया है। वहीं खरकाई नदी के किनारे रहने वाले को लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी वस्तुस्थिति पर नज़र बना के रखी हुई है। क्योंकि ये जो बंगाल में डीप डिप्रेशन जो आई, जिसकी वजह से ओडिशा और झारखंड में भी और विशेषकर यहाँ जमशेदपुर में भी लगातार जो बारिश हो रही थी, तो यहाँ खरकई जो रिवर जो है वहाँ तो डेंजर जोन से जो 129 मीटर्स जो होती उससे थोड़ा आगे बढ़ गई थी। तो कल से लगातार हम लोगों का कंट्रोल रूम और सारे जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं वो लोग कंप्लीट अलर्ट मोड में थे और क्षेत्र का भी भ्रमण कर रहे थे और सभी जगह जहाँ लो लाइंग एरियाज थे, जो रिस्क प्रोन एरियाज थे, वहाँ जो है माइकिंग सिस्टम से उनको बताते हुए और उनको ये वहाँ से शिफ्ट करते हुए नज़दीकी जो स्कूल और कम्युनिटी हॉल बिल्डिंग्स जो है वहाँ उन्होंने शिफ्ट करवा रहे थे। और अभी सुबह की जो स्थिति है कि जो ओडिशा में जो कम होती जा रही है और लोग अभी जो चिंता करने वाले विषय में रहे और फ्लड कंट्रोल जो है हम लोग अभी नियंत्रण में है और NDRF की भी टीम हमने राज्य सरकार से अनुरोध किए थे और कल रात को ही एक NDRF टीम भी आई हुई है और आज शाम को आज उन्होंने कंप्लीट यहाँ रेके भी किए हैं और हम लोग भी जो है आज शाम को उनके साथ एक बार लो लाइंग एरिया जहाँ रिस्क प्रोन एरिया है उधर जाएंगे। लेकिन पूरा प्रशासन जो है इसमें सतर्क है।